पिछले मेरे कुछ वीडियोस में मैंने ऐसे विषयों के बारे में बात की जिनके बारे में बात करना लोग आज भी एक टैबू समझते हैं। आज ऐसे एक नए विषय के साथ मैं आप सबसे जुड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज मैं आप सबके सामने आई हूँ एक ऐसा नया विषय लेके जिसके बारे में आज हम सबको जानकारी है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के बारे में। ये वीडियो काफी लंबा ना चले इसलिए मैंने इसे दो भाग में विभागने का फैसला लिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोर्नोग्राफी क्या होती है, उसका एडिक्शन क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है उसके बारे में। वैसे ही अगले हफ्ते हम बात करेंगे पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो चुका है ये कैसे जाने और उसके ऊपर हम खुद से क्या उपचार या क्या इलाज शुरू कर सकते हैं उसके बारे में। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप हर एक इन्फॉर्मेशन लेते रहे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबा के अभी नोटिफिकेशन ऑन रखें। वैसे तो पोर्न देखना काफी नॉर्मल बात है, इंटरनेट की बढ़ती हुई स्पीड के साथ, इजी एसेसिबिलिटी के साथ पोर्न देखने पे कोई रुकावट भी तो नहीं लग सकती है। पोर्नोग्राफी एक टाइप की सिनेमेटोग्राफी होती है। जैसे कि मूवीज बहुत ही अनरियल होते हैं, वैसे ही पोर्न मूवीज भी काफी अनरियल होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। DSMR के अनुसार भले ही पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को एक डायग्नोसिस ना माना हो तो फिर भी किसी भी काउंसिलर के पास आने वाले 70% से अधिक युवा पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के शिकार होते हैं। उनमें से तो कई ऐसे युवा होते हैं जो खुद नहीं जानते कि उन्हें पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है। वो सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेके आते हैं। इनिशियल इंटरव्यू के बाद पता चलता है कि वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए पोर्नोग्राफिक एडिक्शन कितना खतरनाक है। तो कब कहा जा सकता है कि आप एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट हैं? यदि पोर्न देखना आपकी एक कंपल्सिव आदत बन जाए, जिसके लिए आप अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को भी अवॉइड करें, जिसके लिए आप अपने डेली रूटीन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि आप एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन रहे हैं। यदि आप पोर्न सिर्फ अपने सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए या विदाउट जजमेंट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो और यदि आपके रूटीन में किसी भी तरह का बदलाव ना ला रहे हो तो ये नॉर्मल है। और ऐसा होता है कि पोर्न मूवीज में काम करने वाले लोग ड्रग्स के अधीन होते हैं और वो एक्ट परफॉर्म करते वक्त वो ड्रग्स के आहोश में होते हैं। उसी तरह से ग्राफिक्स, सिनेमाटोग्राफी और एनिमेशन की मदद से एक पोर्न मूवी बनाई जाती है। अब जो लोग पोर्न देखते हैं वो लोग इन अनरियलिस्टिक आइडियाज को सच मानने लगते हैं और उसे अपने सेक्सुअल लाइफ में खोजने लगते हैं। जब वो ना मिलती है तो उससे वो मायूस होते हैं और उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की शुरुआत हो जाती है। उसी के साथ क्योंकि पोर्न देखना बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, इसलिए वो गिल्टी फील करते हैं कि वो ये कुछ गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से वो मेंटली इनस्टेबल हो जाते हैं। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन क्या होता है ये अब हम जान चुके हैं। तो अब आगे बात करते हैं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के पीछे के साइंस के बारे में। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक न्यूरोट्रांसमीटर सीरीज रिलीज की जिसमें मैंने डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात की। डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारा रिवॉर्ड मैकेनिज्म हैंडल करता है, जो सीक्रेट होने से हमें प्लेजरस और रिवॉर्डस महसूस होता है। जब कोई इंसान पोर्न देखता है तो उसके अंदर ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा डोपामिन छोड़ने लगता है और उसे रिवॉर्डेड लगने लगता है। अब इस रिवॉर्डेडनेस से वो खुश होता है, प्लेजरस महसूस करता है और इसलिए वो ये एक्ट फिर से करने लगता है, ताकि ये रिवॉर्ड और डोपामिन रिलीज के साइकिल में कैद हो जाए और फिर इस साइकिल को तोड़ना उसके लिए लगभग नामुमकिन बन जाता है। अब एक पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड आता है
जहाँ पे सेम एक्ट किसी भी तरह का डोपामिन रिलीज नहीं करता है, उसे वेरिएशन चाहिए रहता है, तब पोर्नोग्राफिक न्यू एडिशन के न्यू क्लिप्स देख के उसे वो वेरिएशन, वो एक्साइटमेंट मिलती है, जिससे हायर लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज होने लगता है। पहले एक पोर्नोग्राफिक क्लिप्स, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे करके क्लिप नंबर्स बढ़ते चलते हैं और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो सलील जामदार की असली मर्द वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगा। इट इज़ अ मस्ट वॉच। तो ये रहा पॉर्न के बारे में, कैसे पॉर्न हमारे मन और हमारे तन दोनों को प्रभावित कर सकता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि पॉर्न हमारे अंदर के रियलिस्टिक सेंसुअल एक्सपीरियंस को भी मॉडिफाई कर रख देता है, जो कि सच में आनंदमय है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ जरूर आया हो। इसी वीडियो का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आज हमने जाना पोर्नोग्राफिक एडिक्शन क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके क्या इलाज हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही राय सही वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी। किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे यू ही एजुकेटिव वीडियोज़ के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक सुरक्षित रहें और बुरी आदतों से दूर रहें।